हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है वेट लॉस के रिगार्डिंग। हम जिम में कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। आज मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये सबसे यूनिक और थोड़ी सी हटके है। मैंने अपने शेड्यूल में कुछ चेंज किया, मैंने थोड़े से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उसमें लगाए, तो उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि मतलब जो चेंजेस मुझे महीनों में नहीं आ रहे थे, अब वो चेंजेस मुझे कुछ दिनों में दिखने लगते। तो मैंने सोचा मैं अपनी YouTube की ऑडियंस के साथ भी ये शेयर करूं। आपको जिम में वेट लॉस करना कैसे? तो ज़्यादातर लोग जिम जाते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, क्रॉसफिट करते हैं, बट उनसे उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई थिंक कि 90-95% लोगों को ट्रेडमिल कैसे यूज करनी है लोगों को पता ही नहीं है। लोग सिर्फ उस पर चलते रहते हैं, कोई मोबाइल यूज कर रहा है, कोई धीरे धीरे वॉक कर रहा है, कोई तेज चल रहा है, कोई कंसिस्टेंटली 1-1 घंटे तक ट्रेडमिल कर रहा है। उससे कुछ नहीं होने वाला। ये चीज मैं बहुत कर चुका हूँ, मैं खुद कम से कम 15 साल से मैं यही गलतियां कर रहा था। तो आपको मैं दो तरीके बताता हूँ कि आपको कैसे अपने वेट लॉस को मैक्सिमाइज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट लॉस के लिए ट्रेडमिल का कैसे यूज करते हैं। तो ट्रेडमिल के लिए आपको क्या करना है कि जब आप ट्रेडमिल स्टार्ट करो तो उसका जो इंक्लाइनेशन, जो ट्रेडमिल इंक्लाइन होती है, उसको 15 पे कर दो। 15 शायद मैक्सिमम होता है, मेरे जिम में 15 मैक्सिमम है, तो आप अपने जिम के अकॉर्डिंग देख लेना, शायद 15 हो, जितना भी हो मैक्सिमम पे हो, ठीक है। उसके बाद स्पीड आपको रखनी है 3.5 किलोमीटर पर आवर, ये मिनिमम स्पीड है, ठीक है। मैक्सिमम आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, किसी की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अगर अच्छी है तो वो 4, 4.5, 5 तक भी कर सकता है। मैं 4, 4.5 तक कर लेता हूँ, बट मिनिमम आपको 3.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड रखनी है, ठीक है। और ये आपको 20 मिनट में करना है, कम से कम आपको 20 मिनट करना है। तो आप देखोगे कि आप 250 से 300 कैलोरी बर्न कर रहे हो, आप उस मशीन में देखोगे ना तो कैलोरी आप ज़्यादा बर्न कर रहे हो। तो ये सारा जो खेल चल रहा है ये कैलोरी बर्न पे चल रहा है, आपको कैलोरी ज़्यादा मैक्सिमम बर्न करनी है। एक अच्छा खासा वर्कआउट होता है 1 घंटे का 1.5 घंटे का 2 घंटे का, उसमें आदमी 250 से 300 कैलोरी बर्न करता है, और 20 मिनट चलोगे तो आप देखोगे 300 कैलोरी आपकी इजीली बर्न हो जाएगी, और अगर 4, 4.5 कर दोगे तो 350 भी हो जाएगी, ठीक है। तो 20 मिनट में ये ख़त्म करो। सेकंड, अगर ये नहीं हो रहा है किसी से तो एक और तरीका है ट्रेडमिल को यूज़ करने का, वो है कि आप ट्रेडमिल का इंक्लाइन 0 रहना है, और ट्रेडमिल की स्पीड कम से कम 11 से 12 होनी चाहिए। पहले उसको 12 पे कर दो, फिर आपको 30 सेकेंड्स ट्रेडमिल पे भागना है 12 की स्पीड पे, और फिर वापस से अपने स्टेप साइड में कर देना है 30 सेकेंड्स के, मतलब 1 मिनट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। आप 30 सेकेंड्स रनिंग करनी है 12 की स्पीड पे, और 30 सेकेंड रेस्ट करना है साइड में पैर रख के। तो ऐसे आपको 10 सेट्स करना है, सेकेंड भागना, 30 सेकेंड रेस्ट, 30 सेकेंड भागना, 30 सेकेंड रेस्ट, ऐसे 10, और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज करो। जैसे फर्स्ट डे आप 12 पे स्टार्ट करो या 11 पे भी करो, फिर उसके 2-3 दिन बाद आप 13 पे करो, 14 पे करो, 15 की स्पीड पे करो। तो इससे क्या होगा, आपकी हार्ट बीट अचानक से इंक्रीज होगी और फिर अचानक से कम होगी, तो इससे आपकी बॉडी ज़्यादा ब्लड पंप करेगी आपकी बॉडी में, और ज़्यादा जो फैट है, जो ज़्यादा अपने स्टोर एनर्जी, उसको ज़्यादा यूटिलाइज करेगी कम टाइम। तो ये वाला भी चीज़ आप 10 मिनट या 15 मिनट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताए हैं 300 से 350 कैलोरी बर्न करने का तरीका विद इन 15-20 मिनट्स। नहीं तो आप 1.5 घंटा 2 घंटा आप एक्सरसाइज करते रहोगे, आपकी 200-250 कैलोरी भी मुश्किल से बर्न होगी, ठीक है। और वो लंबा प्रोसीजर है, ये मैंने आपको विद इन 15-20 मिनट्स बता दिया कि 300-350 कैलोरी बर्न कैसे करनी है। जितनी हमारी हार्ट रेट तेज होगी उतना ज़्यादा हमारा एनर्जी का कंजप्शन होगा। तो होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, और ये आप जरूर करके देखें, इसको 1 वीक तक फॉलो करें, फिर आप खुद देखोगे कि आपकी हेल्थ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद ने भी किया है। मेरा शायद 1.5-2 किलो का फर्क पड़ा है 5 दिनों, अभी लास्ट 5 डे से मैं यही कर रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं करता, हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग कर लेता हूँ, बट कार्डियो में मैं मेन ये करता हूँ कि ट्रेडमिल को कैसे आपको प्रॉपर तरीके से यूज करना है। तो आप ये तो एक्सरसाइज जरूर ट्राई करके देखिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या रिजल्ट मिला इससे।